हाय दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं जो फार्मासिस्ट के लिए प्रिस्क्रिप्शन का राइट दिया जाए या नहीं। तो हम एविडेंस पे बात करेंगे। एवन मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो है मेरे 3 रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं जो मैंने पब्लिश किए हैं, जो जो है फार्मासिस्ट को जो है प्रिस्क्रिप्शन का राइट दिया जाए। और उसके ऊपर हमने जो लोगों के ऊपर भी सर्वे किया था, तो लोग भी वो चाहते हैं या नहीं। तो मैं वो 3 स्टडीज़ का मैं लिंक भी दूंगा। अब फुल 3 पेपर्स आप पढ़ सकते हैं, उसमें सारे एविडेंस दिए हुए हैं कि वर्ल्ड में क्या सिनेरियो है और इंडिया में क्या होना चाहिए। तो आज अगर हम बात करें, अगर WHO बोल रहा है कि 57 ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर जो है मतलब बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, वहाँ पर डॉक्टर्स हैं ही नहीं। स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी जो पॉपुलेशन है अराउंड मतलब 68% पॉपुलेशन जो है गाँवों में रहती है, जहाँ पर जो है डॉक्टर्स जाना नहीं चाहते हैं और डॉक्टर्स होते भी नहीं है। डॉक्टर्स का मतलब है हम बात कर रहे हैं MBBS डॉक्टर की, है ना। तो वो जो हैं भी वो जाना नहीं चाहते, वो जो है शहरों में काम करना चाहते हैं। तो अगर हम एविडेंस पे बात करें तो जो है WHO बोलता है कि 1,000 पॉपुलेशन पर 2 डॉक्टर होने चाहिए। और ये रेशियो कुछ कुछ कंट्री में है ऑलरेडी। मतलब अगर हम बात करें तो जापान में जो है 2.1, यानी जो रेशियो है WHO का मिनिमम, उससे ज़्यादा है वहाँ पर। और कोरिया में भी जो है 2 डॉक्टर्स होते हैं 1,000 पॉपुलेशन पर। सिंगापुर में है 1.8। और चाइना, इसकी हम बात करते रहते हैं हमेशा, चाइना में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पर भी जो है 1.4 डॉक्टर से 1,000 पॉपुलेशन के लिए। अगर हम दूसरी साइड बात करें इंडिया में क्या सिचुएशन है, तो जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया में 68% पॉपुलेशन जो है गाँवों में रहती है और छोटे छोटे शहरों में रहती है। तो वहाँ पर क्या स्थिति है, वहाँ पर जस्ट 0.39 डॉक्टर्स हैं 1,000 पॉपुलेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि दो और कहाँ 0.39, आई मीन जो है 0.4 डॉक्टर्स भी नहीं है जो रूरल पॉपुलेशन के लिए। तो वहाँ पर क्या हो रहा है ना, आप देख सकते हैं। और हम दूसरी तरफ बात करें कि जो है गवर्नमेंट ने एक नया कोर्स लॉन्च कर दिया जो है 3.5 साल का या 3 साल का, उसमें जो है BSc कम्युनिटी हेल्थ के ना, उसको हम डॉक्टर्स बनाएंगे और उसको गाँवों में भेजेंगे, वो जो 12th के बाद होगा और कुछ कुछ मेडिकल कॉलेज में होगा। मतलब कुछ कुछ जो है स्टेट ने उसको ऑलरेडी जो है इम्प्लीमेंट भी किया, फॉर एग्जाम्पल झारखंड ने। तो हम बात करें अब फार्मासिस्ट की दूसरी साइड में, तो फार्मासिस्ट इंडिया में जो है एट प्रेजेंट में 2,000 फार्मेसी कॉलेज अप्रूव किए हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जिसमें जो है 1,500 कॉलेज अराउंड हैं जो है जो बी फार्मा जो है 4 साल की डिग्री जो है वो ऑफर करते हैं, और अराउंड 250 कॉलेज फार्मडी के हैं। तो अराउंड जो है 1.5 लाख फार्मासिस्ट पर ईयर जो है बी फार्म ग्रेजुएट होते हैं, और जो 8,000 फार्मडी ग्रेजुएट जो है एवरी ईयर जो है ग्रेजुएट होते हैं। तो अगर हम दूसरे देशों की अगर हम वो बात करें, जैसे कि US में उसको बोलते हैं सप्लीमेंट प्रिस्क्राइबर या जो है इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर्स को बोलते हैं, और UK में भी है ये और ऑस्ट्रेलिया में भी है। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ, तो मैंने जो है यहाँ का कुछ स्टडी किया, यहाँ यहाँ के कैसे मैं बात करता हूँ अभी। और मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पर जो है जो NHS UK में फार्मासिस्ट हैं, और वो इंडिपेंडेंट फार्मासिस्ट हैं। वो अभी हमारे यहाँ पे आए हुए ही हैं सिडनी में। वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो एक रिसर्च के लिए आए हुए हैं कुछ टाइम के लिए, लाइक 6 मंथ के लिए। तो मैंने उनसे बात किया कि वहाँ पर क्या होता है। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं देन वहाँ पर जो है कुछ कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो कोर्स को ऑफर करती है, उसको वो लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर्स कोर्स। तो वो जो है अराउंड 6 महीने का ऐसा कोर्स होता है, उसमें जो है बहुत सारे जो है प्रैक्टिकल सेशन होते हैं, मतलब जो है पेशेंट को देखना और ये वो। फिर उसके बाद फिर से उनका एक टेस्ट होगा, और फिर अगर वो पास करते हैं तो वो जो है वो उनको जो है इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर्स की जो है मतलब वो जो है सर्टेन डिजीज का जो है वो ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब हम देखें ये जो US और UK ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर जो फार्मासिस्ट का जो एजुकेशन है वो बहुत ही लॉन्ग होता है। जैसे कि US में मिनिमम 6 से 8 साल लग जाते हैं एक फार्मासिस्ट को बनने के लिए, वही UK में है और वही यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि 4 साल अगर आपने बी फॉर्म किया है 4 साल, उसके बाद आप जो है 1 साल की ट्रेनिंग करेंगे, फिर आप एक 4 साल स्टडी, फिर 1 साल ट्रेनिंग, और फिर आप एंट्रेंस एग्जाम लिखेंगे। जो भी बच्चा यहाँ का होगा वो अगर पास करेगा तब वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनेगा। तो ये टोटल ड्यूरेशन हो जाती है अराउंड जो है 6 साल, 4 साल स्टडी, फिर 1 साल इंटर्नशिप और फिर एग्जाम
कैंडिडेट्स और ये वो, तो 6 साल में आप जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, ये तो यहाँ पर तो होती है ओटीसी मेडिसिन, जैसे इंडिया में भी होती है ओटीसी मेडिसिन, तो जो है हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। फिर एक एक मेडिसिन होती है, सर्टन मेडिसिन को बोल ये लोग बोलते हैं फार्मेसी मेडिसिन, और जो फार्मेसी मेडिसिन का मतलब है जो फार्मासिस्ट है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट वो ही मेडिसिन दे सकता है, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। तो आप जाइए कम्युनिटी फार्मेसी पे, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए और वो फिर आपको जो है वो जो है मेडिसिन आपको दे देगा। तो ये सिचुएशन है यहाँ की। और यूके में होता है कि वहाँ पर जो है एक 6 महीने तक का एक डिप्लोमा टाइप हम बोल सकते हैं कि स्पेशल कोर्स होता है वो। तो हम सेम वही हम जो है बात करते हैं, मतलब एक ये है कि यार जो डॉक्टर हैं एमबीबीएस वो गांव में क्यों नहीं जाना चाहते हैं, जैसे कि हमें पता है यार, जैसे कि फॉर एग्जांपल बिहार है, जो पिछले जो राज्य हमारी यूपी हो गया, तो वहाँ पर लाइट का तो इतना प्रॉब्लम है, लाइट तो आती नहीं है, 12 घंटे लाइट आती है वहाँ पर, 12 घंटे भी नहीं आती कभी कभी। मेरा घर एक छोटे से शहर में है तो मुझे सब पता है ये, तो वहाँ पर एक तो लाइट का प्रॉब्लम से, और फिर जो डॉक्टर है हमें उसके लिए घर की फैसिलिटीज नहीं होती है, मतलब बहुत गंदगी है और ये वो है, और जो डॉक्टर है उसकी एक फैमिली है, उसके बच्चे स्कूल जाएंगे वहाँ है नहीं, जो रोड का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो इतना गंदा है, और जो गवर्नमेंट सैलरी दे रही है वो भी एनएफ नहीं दे रही है, तो फिर एक एमबीबीएस डॉक्टर क्यों जाएगा गाँव में, है ना। तो इसीलिए सारे डॉक्टर्स जो होते हैं वो शहरों में ही काम करना चाहते हैं, गांव में कोई जाना नहीं चाहता है ना। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, एक तो गवर्नमेंट को ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आपको पता ही है डॉक्टर की जो मतलब हॉस्पिटल होते हैं हमारे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब टूटी फूटी बिल्डिंग होती है, बहुत सारी गंदगी होती है, और टॉयलेट साफ नहीं है, पानी पीने का साफ नहीं है, मतलब कितनी सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो एक तो जो है गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों को ध्यान दे, तो फिर जो है डॉक्टर जो है एमबीबीएस वो जो लोग काम करेंगे, आई मीन। अब दूसरी तरफ बात है कि डॉक्टर्स इतने हैं ही नहीं, ऑलरेडी एमसीआई बहुत सारे न्यू कॉलेज को जो है अप्रूवल दे रही है, और मगर फिर भी जो है वो एनएफ नहीं है। तो एक लैंसेट में एक रिपोर्ट छपी है, लैंसेट बहुत प्रेस्टिजियस मेडिकल जर्नल होता है, तो वो दुनिया के टॉप 5 जर्नल्स में आता है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो है अगर इंडिया का जो अगर ये जो गैप अगर हम फिल करेंगे, मतलब एक डॉक्टर 1,000 पॉपुलेशन के लिए अगर चाहिए इंडिया में, तो उसके लिए अगर सेम अगर हम बात करें तो अगर अगर इतने डॉक्टर रहेंगे तो वो जो है 2028 तक लग जाएगा, यानी और हमें कितने चाहिए, हमें चाहिए 2 डॉक्टर 1,000 पॉपुलेशन के लिए, है ना। तो मतलब इम्पॉसिबल सा जो है एक मिशन है ये। तो आप क्या जब दूसरे कंट्रीज में ये नियम है, यूएस, हम लोग यूएस को बहुत मानते हैं कि वो डेवलप कंट्रीज हैं, तो फिर हम यहाँ पर क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर रहे इंडिया में। मतलब अब बात करें हम वो भाई इनिशिएशन कौन लेगा वो, तो जो मेरा अपना सजेशन है, मैंने अपने 3 रिसर्च पेपर्स में मैंने ये बात किया है कि जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो फार्मासिस्ट हैं, आई मीन जो एलाइड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल डेंटिस्ट हैं, और जो है फार्मासिस्ट हैं, नर्स हैं और फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इन सब को जो है एडिशनल ट्रेनिंग दी जाए 1 साल की, और फिर उनको जो है हम जो है 1 साल की 6 महीने की, और उसके बाद फिर हम एक उनका टेस्ट लें, अगर वो पास करते हैं फिर हम उनको जो है एज ए प्रिस्क्राइबर हम उनको भेज सकते हैं, और वो जो है रूरल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मतलब सजेशन है। और मतलब ऐसा गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए कि जो है जो फार्मासिस्ट ऑलरेडी हैं, बी फॉर्म और फार्म डी फार्मासिस्ट की बात कर रहा हूँ, डिप्लोमा नहीं, डिप्लोमा इज नॉट फिट फॉर दिस प्रिस्क्राइबिंग, यू नो। सो 2 साल मैं खुद एक डिप्लोमा किया, फिर बैचलर डिग्री किया, फिर फार्म डी किया हूँ, और फिर मैंने 4 साल जो है टीचिंग किया हुआ है मलेशिया में, तो मुझे एक्सपीरियंस है इंडिया का, मलेशिया का, और ऑस्ट्रेलिया और यूएस, और आई मीन ये सब का सारा मैंने स्टडी किया हुआ है। तो एक तरह हम बात करते हैं जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उसका जो रवैया कैसा है, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, आई मीन अगर हम बात करें इनकी जो है सेम पावर है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना। तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो है जो वो मतलब बहुत ही पावरफुल हैं, और नर्सिंग भी सेम है, मतलब उनको भी प्रिस्क्रिप्शन कराया दिया जा रहा है, और जो है डेंटिस्ट भी, है ना। और एक तरह बात करते हैं आयुष डॉक्टर्स की, है ना, तो हम उनसे जो है बेटर हैं ये बोलने की बात नहीं है। तो गवर्नमेंट को अमित पीसीआई को इसमें इनिशिएशन लेना चाहिए, और जो है वो जो है बीस रेच आई मीन जो पीसीआई प्रेसिडेंट है, और जो जितनी भी
जो बॉडीज हैं इंडिया में फार्मेसी की, इंडियन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, IGPA, जितनी भी ये सब जो है सारी बॉडीज को जो है पूरी ताकत लगा देना चाहिए इसके लिए। अब ये राइट टाइम है, जो अभी न्यू बिल आया है, अभी पास नहीं हुआ है वहाँ से, तो जो है अगर फार्मासिस्ट उसमें इंक्लूड किया जाए तो हम बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं। और ये मैं मेरे 3 स्टडीज के मैं लिंक दूंगा, इसके अंदर आप फुल स्टडीज पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी टेक्निकल क्वारीज है, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। और कोई भी अगर स्टडी करना चाहता है इंडिया में अबाउट ये, क्योंकि मेरा अपना प्रोजेक्ट था, मुझे PhD इसके ऊपर करना था, मेरा प्लान था कि जब मैं वर्क कर रहा था मलेशिया में, तो मैं अपनी PhD जो है मलेशिया में एनरोल करूंगा और जो है इस टॉपिक पे काम करूंगा इंडिया के अंदर, क्योंकि इस पर बहुत ही स्कोप है। और मेरा बहुत ही वो था कि हम एम्पावर करें जो है फार्मासिस्ट, स्पेशली क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो हमारे जो जो PharmDs फार्मासिस्ट हैं और जो हमारे B.Pharm फार्मासिस्ट हैं। तो अगर हम सिर्फ PharmD को ही देते हैं तो जो 8,000 एवरी ईयर जो मिनिमम जो फार्मासिस्ट हैं वो डॉक्टर्स बनेंगे, तो जो है जो हमारा रेशियो है वो जो है बढ़ेगा और जो है हम जो है रूरल में काम कर सकते हैं। तो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम अकरम अहमद, आई एम डूइंग माई PhD इन हेल्थ पॉलिसी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज लीव योर क्वेश्चन, आई विल आंसर। आई एम थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।